लोकतंत्र के मंदिर में चुनाव सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और चुनाव आयोग 7 चरणों में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा कर चुका है। 23 मई को रिजल्ट आ जाएगा और भारत समेत पूरी दुनिया जान जाएगी कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन है। देखा जाए तो पूरे देश में यह बहस चल रही है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और पुनः नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे या फिर राहुल गांधी का कोई चमत्कार सामने आएगा और कांग्रेस एक अंतराल के बाद सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन इससे अलग एक फैक्ट है जो हमारी हॉट रिसर्च एंड मार्केटिंग टीम ने ऑब्जर्वर डॉन के लिए किया है। उस सर्वे में यह कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा सत्ता में आने वाला है। जी हाँ, तीसरा मोर्चा सत्ता में आने वाला है और यह बात कोई हम आधारहीन तरीके से नहीं कह रहे, बल्कि इसके पीछे फॉर्मूले हैं पिछले चुनावों के, पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजे के और लोकसभा चुनावों से लेकर राज्यवार ब्यौरा पेश करेंगे और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आज। नमस्कार, मैं मिथिलेश ऑब्जर्वर डॉन से और इस चर्चा में हमारे साथ हैं हॉट रिसर्च एंड मार्केटिंग के प्रमुख राकेश पुरोहित जी, हमारे ग्रुप एडिटर हरिओम त्यागी जी, हिंदी मैगजीन हमारी ऑब्जर्वर डॉन के सीनियर एडिटर मिस्टर कुलदीप त्यागी जी और हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट स्वप्निल श्रीवास्तव। तो इनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो तमाम तरह के दावों और प्रतिदावों के साथ मैदान में है, नरेंद्र मोदी कश्मीर से कन्याकुमारी एक किए हुए हैं, राम मंदिर से ले के भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई की तमाम चर्चाएं हो रही हैं, उसे सीटें मिल रही हैं मात्र 243, बहुमत से दूर। कांग्रेस को सीटें मिल रही हैं मात्र 137 और वहीं तीसरा फ्रंट सीटें ले रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं राकेश पुरोहित जी आपसे, यह तीसरा मोर्चा कहां से आ गया जबकि देश एक तरह से पोलराइजेशन की राह पे है। नमस्कार दर्शकों, पहली बात तो यह है कि जो हम अपने सर्वे का बेस समझ रहे हैं इस वक्त, वो न सिर्फ लोगों की जो जनधारणा है उस पर आधारित है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज के एस्पिरेशंस हैं ये उसको भी साथ लेकर चल रहा है। हमने देखा है क्षेत्रीय पार्टियां बहुत बड़ा रोल अदा करती रही हैं हमारे चुनाव में, खासतौर पे 1989 के बाद क्षेत्रीय दल मजबूत हुए। तीसरा मोर्चा जिसे हम कहते रहे हमेशा से, ये वो पार्टीज हैं जो न तो बीजेपी का जो नेतृत्व कर रही है, बीजेपी एनडीए का उसका हिस्सा रही या कभी रही नहीं रही, और दूसरा यूपीए जो कि कांग्रेस और उसके समर्थन करने वाले दल की बात है। तो तीसरा मोर्चा तो हर वक्त ही था, परंतु वो बहुत सशक्त नहीं रहा। पिछले समय की बात करें तो एनडीए के समय भी तीसरे मोर्चे ने एक रोल निभाया, बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां उससे जुड़ी जो चुनाव के समय नहीं थी, और यूपी के समय भी तीसरे मोर्चे की पार्टियां ही एक ऐसे स्तर पे सामने आई कि जब उन्होंने सरकारों को समर्थन दिया सरकारें बनी। जैसे आपने कहा कि क्या राहुल गांधी जी अपना करिश्मा दिखा पाएंगे या नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो है फिर सफल होगा, वैसे में ये सवाल है कि बिना किसी नेता या छवि के तीसरा मोर्चा क्या बन पाएगा। परंतु सच तो यह है कि तीसरा मोर्चा या वो दलों ने हमेशा एक प्रमुख भूमिका निभाई है। हमारा जो सर्वे कहता है जो एनडीए के स्वाभाविक घटक दल हैं वो अपना जो टोटल मार्क है उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो तकरीबन एक ऐसी स्थिति में आकर रुक रहे हैं। बीजेपी खुद 208 ले रही है और हमारे जो अभी सर्वे की डिटेल बताती है कि बीजेपी को 243 एनडीए की सीट्स मिल पाएंगी, जिसके अंदर उनके पास अभी भी 40 सीटों का अंतर आता है। अब ऐसे में जो 40 सीटें आनी हैं वो या तो दूसरे दल जैसे हम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल या फिर टीआरएस, दूसरे दलों की बात हम कर रहे हैं, क्या वो स्वाभाविक तौर पे एनडीए को सपोर्ट करेंगे? शायद हाँ शायद ना। ये 40 का आंकड़ा बहुत मुश्किल आंकड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें शायद कुछ ऐसे दल भी होंगे जो न तो कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे, और कांग्रेस एक बहुत बड़ी शक्ति नहीं बन रही है। और हैरानी की बात यह है कि हमारे इस रिसर्च के हिसाब से जिसमें बहुत डिटेल में समझा गया है, क्षेत्रीय मुद्दों को सामने लिया हम लोगों ने, और साथ ही साथ ये समझा कि जो राष्ट्रीय स्तर पर छवि है नरेंद्र मोदी की,
क्या वो इतनी मजबूत बन पाई है कि क्षेत्रीय दलों को ओवर पावर कर सके। इसलिए कहीं ना कहीं वो थर्ड फ्रंट की बात जो हमें सर्वे में आ रही है, ये उन लोकल मुद्दों को ही उजागर कर रही है कि किस तरह से हमारा जो मतदाता है वो किस मूड में है, और उसने पिछले चुनावों में, चाहे वो विधानसभा चुनाव रहे हों हमारे या लोकसभा चुनाव जो 2014 के रहे हों। मुद्दों पे भी आएंगे हम, मुद्दों की चर्चा आगे होगी, लेकिन पहले थर्ड फ्रंट की चर्चा करते हैं। समूह संपादक महोदय, क्या लगता है आपको कि थर्ड फ्रंट के प्रयोग पहले भी हुए हैं? देश की जनता क्या विश्वास करने वाली है इस पे? जिससे पुरोहित जी ने भी दो बातें कही हैं जो मुझे बड़ी सटीक लगती है। एक बात तो उन्होंने कहा कि जो लोकल पार्टीज हैं वो हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सभी चुनाव में करते हैं, और इस वाले चुनाव में आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी का जो रथ है उसको कोई भी मतलब बड़ी पार्टी रोक नहीं पा रही है। लेकिन यदि हम क्षेत्र की बात करें, हम यूपी की बात करें, तो वहाँ पर बसपा सपा दोनों मिलकर उनके रथ को प्रॉपर तरीके से रोकने की मतलब तैयारी में है। इसी तरह से अगर हम लोग बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी के सामने बीजेपी जबरदस्त फाइट में है। तो हर रीजनल एरिया में आप चले जाइए, क्षेत्र वाइज चले जाइए या प्रदेश वाइज चले जाइए, तो वहाँ अधिकतर प्रदेशों में एक लोकल पावर है और वो बीजेपी का रथ रोकने की कुवत रखती है, रोक रही है। तो अब सभी का जो लोकल शक्तियाँ हैं या ताकतें हैं उनका मकसद एक है कि बीजेपी का रथ कैसे रोके, तो नेचुरली कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा एक सी हो जाती है, और वो विचारधारा जब इकट्ठी हो जाएगी तो थर्ड फ्रंट बन सकता है वो। अब मजबूरी ये है कि थर्ड फ्रंट के पास भी इतने सारे नंबर्स नहीं आ रहे इस सर्वे के हिसाब से, 143 या 137 के आसपास उनका भी आंकड़ा है, तो वो 272 कैसे प्राप्त करेंगे वो? तो इसमें शायद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कांग्रेस उनको पीछे सपोर्ट करे या बीजेपी ही अपना गेम प्ले करने के लिए एक साल तक चले उनको चलाते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट एक बार फिर बन सकता है। क्योंकि इस समय यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस रियली में इतना पावरफुल या उसकी लीडरशिप इतनी पावरफुल नहीं दिख रही है जिससे लोग उन पर रिलाई करें। बट यदि हम लोग लोकली बात करें तो अखिलेश जी हैं आपके, TSR के चंद्रशेखर राव जी हैं, या मायावती है, या ममता बनर्जी है, ये क्रेडिटेबल नाम है, मतलब जो बीजेपी के साथ नहीं जाने जाते उन लोगों के लिए, और वो उन पर रिलाई करना चाहते हैं और उनको देखना चाहते हैं कि एक वो प्रधानमंत्री या एक बड़े लीडरशिप के रूप में आए। तो आई थिंक मैं इस सर्वे से काफ़ी सहमत हूँ और आई थिंक ये शायद वर्क करेगा। हिंदी मैगजीन के हमारे संपादक सीनियर एडिटर कुलदीप जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि तीसरे मोर्चे के प्रयोग पहले भी हुए हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर पेच फंस जाता है, यदि ऐसा हुआ और कांग्रेस या बीजेपी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा पावर में आ गया, हालांकि इसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट है, तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर पर क्या आपका नजरिया है? मुझे लगता है कि थर्ड फ्रंट का जो अभी तो सुविचार ही जो है मतलब गौण है, मेरी समझ तो ये आता है। पुराने अनुभव जो है खराब रहे हैं जनता के, जनता नकार चुकी है। लेकिन रिसर्च तो हमारा यही कह रहा है ना, रिसर्च तो यही कह रहा है, तो रिसर्च एक बेस है। और किस प्रकार से प्रधानमंत्री कैंडिडेचर पे हम अगर बात करें, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल डिसीजन लीजिए, तो क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री के पद पे कहाँ पेच फंसेगा? पेच उसमें मायावती और ममता आपस में जो एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, KCR आगे बढ़ेंगे, चंद्रबाबू नायडू पीछे नहीं रहेंगे, अब बताएं कहाँ क्यों पेच नहीं फंसेगा? तो जनता भरोसा नहीं करने वाली है, नहीं करने वाली। बहुत बड़ा सवाल है ये। स्वप्निल जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप लेख लिखते रहे हैं और तमाम पत्र पत्रिकाओं में और हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं, क्या लगता है आपको थर्ड फ्रंट का नजरिया, जनता क्या सोचेगी इस बारे में, क्या सोच रही है? मिथिलेश जी, पहले तो एक बड़ा मजेदार सा फैक्ट ये भी है कि आज जब हम इस विषय पे डिस्कशन कर रहे हैं, आज ही का दिन था, बहुत सारे सर्वे गलत साबित हुए थे 11 मार्च को जब यूपी विधानसभा का परिणाम आया था, 11 मार्च का दिन था। और आज जब हम इस सर्वे पे डिस्कशन कर रहे हैं और इस सर्वे को जब मैं देख रहा था, तो मैंने थर्ड फ्रंट पे थोड़ा सा एक अपना नज़रिया रखना चाहूँगा। थर्ड फ्रंट को जिस तरीके से सीटें दी गई हैं, मैं देख रहा हूँ CPI को, वामपंथी दलों को, CPIM हो या CPI हो या बाकी वामपंथी दल हो, उनको कहीं ना कहीं कम करके आंका गया है। एक तो ये भी है, थर्ड फ्रंट इससे कहीं ज़्यादा ऊपर जा सकता है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब राष्ट्रवाद की बातें इतनी तेजी से हो रही है, तो वामपंथ भी कहीं ना कहीं पूरी ताकत लगा रहा है, खुद को मजबूत कर रहा है, जमीनी पकड़ अब उसकी मजबूत हुई है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की भी करना चाहिए हमें। पिछली बार भी हमने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कम करके आका था, उस समय वो 4 सीटें लेके गई थी। इस बार का जो हमारा सर्वे आया है उसमें हम आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें दे रहे हैं,
दो सीटें हम दे रहे हैं पंजाब में और एक सीट दे रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली जहां से 67 विधायक आते हैं और 20 से ज्यादा विधायक पंजाब में आते हैं आम आदमी पार्टी के, वहां पे भी हम इतना कम करके आम आदमी पार्टी को आंक रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो हम बीएसपी को बिल्कुल जीरो पे लेके जा रहे हैं, सपा को बिल्कुल जीरो पे लेके जा रहे हैं, जबकि स्थिति इससे कहीं ना कहीं इतर है। बिहार में भी अगर देखा जाए तो जो लालू जी की पार्टी है आरएलडी, तेजस्वी बहुत तेजी से उभरे हैं, एक अच्छे नेता के तौर पे उभरे हैं, एक साफ सुथरी छवि भी उनकी बनी है, चाहे जो कुछ भी हो अंदर खाने एक साफ सुथरी छवि बनी है। तो मार्के की बात अगर मैं कहूँ मिथिलेश जी, इसमें यह है कि थर्ड फ्रंट थोड़ा सा और मजबूत होगा। 132 सीटें अभी ये सर्वे दे रहा है, 132 से ज़्यादा जाएंगी इसमें, प्लस माइनस कहीं ना कहीं एनडीए या यूपीए में होगा। मैं अपनी बात इसके साथ भी ख़त्म करूंगा कि यूपीए जो अपने रिवाइवल का एक प्लान लेकर के चली थी कि वो तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ मिले और मिल करके जो है अपना एक अपनी पकड़ को मजबूत करे, वो रिवाइवल प्लान कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है। तभी एक कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को यूपी में उतारना पड़ता है, प्रियंका को उतारना पड़ता है, डॉक्टर निर्मल किनारे हो जाते हैं, उनके ऊपर दाव नहीं लगाती है कांग्रेस, और जो क्षेत्रीय लीडरशिप थी उसको कहीं ना कहीं हटा करके एक पैरासूट कह दीजिए आप, एक प्रभार वहां पे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का रिवाइवल तो इस चुनाव में फिलहाल मुश्किल है। थर्ड फ्रंट थोड़ा और मजबूत होगा। बीजेपी एनडीए के जो घटक दल हैं, जो एनडीए में 40 घटक दल हैं, हमने सबकी बात नहीं की है सर्वे में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा और कमजोर होंगे। आम आदमी पार्टी की आपने अच्छी बात कही स्वप्निल जी, लेकिन यह बात गौर करने वाली है और इसी क्वेश्चन के साथ हम राकेश जी के पास चलेंगे कि आम आदमी पार्टी बहुत बेचैन है कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए। तो एक नजरिया ये कहा जा सकता है कि किस प्रकार से उसको 3 सीटें दी गई हैं। राकेश जी, पुनः आपके पास मैं आता हूँ। नॉर्थ बेल्ट में पहले बीजेपी का एक तरह से भगवा रंग से यदि चार्ट देखा जाए तो उसमें रंग गया था, अब वह साउथ में शिफ्ट कर रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा मेजर फैक्टर है। इसमें टेक्निकली गैप कहाँ बन रहा है कि थर्ड फ्रंट इसमें घुस रहा है? यूपी को हम थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि सपा बसपा यहाँ सीधा दिख रहा है, तो नॉर्थ की बजाय बीजेपी शिफ्ट कर रही है साउथ की तरफ, तो इसमें थर्ड फ्रंट की जगह कहाँ पा रहे हैं हम? जी देखिए, पहले तो आम आदमी पार्टी के बारे में जैसे हमारे मित्रों ने यहाँ पर बताया कि आम आदमी पार्टी के 67 विधायक हैं अभी भी विधानसभा के अंदर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक साल पीछे की बात करूं, जब 2014 में 7 सीटें बीजेपी के पास थी और उसके बाद अचानक ही सूपड़ा साफ हो गया, बीजेपी के पास 7 विधानसभा सीटें भी नहीं आई। तो और फिर बाद में जब हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव हुए तो पता लगा आम आदमी पार्टी तीनों जितने भी बोर्ड थे उसके अंदर एक भी बोर्ड को जीत नहीं पाई। तो जो परिवर्तन समय के साथ होता है, मुद्दे बदल जाते हैं, तो हम सम्मान करते हैं जनता के उस ओपिनियन का जिसमें उन्होंने 67 सीट दी आम आदमी पार्टी को, परंतु धीरे धीरे जनता की जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो सोच है वो बदल जाती है। पंजाब में जो उनके लीडर थे भगवंत मान, वो उनसे छिटके हैं, उनकी ताकत जो थी वो वैसे ही थोड़ा कम हुई है, और जो एक बहुत सा पानी बह चुका नदी के अंदर, जब कहते हैं ना बहुत से समय जा चुका, तो वो उन समयों के हिसाब से वो आंकड़े ठीक थे। हमारा जो आज का जो सर्वे है वो वर्तमान स्थिति में जो परफॉर्मेंस रही, अगर हम उपचुनाव की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में तो पूरी तरह से समाजवादी और बीएसपी छाए रहे, तो उस हिसाब से तो पूरा क्लीन स्वीप होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं समय के हिसाब से कुछ पार्टीज़ मजबूत हुई हैं, कुछ कमज़ोर हुई हैं। और जैसा कि हमने कहा कि कहीं ना कहीं जो थर्ड फ्रंट है, हमारे मित्र कहते हैं 40 पार्टीज़ एनडीए के साथ हैं, यूपी के साथ भी अच्छा खासा नंबर है, तो ये छोटी मोटी पार्टीज जो हैं वो अपना एक लोकल सब्जेक्ट क्रिएट करती हैं। जब वो मतदाता के पास जाते हैं, मतदाता देखना चाहता है, वो समझना चाहता है कि मेरी अपनी बात कहने के लिए कौन सा व्यक्ति और कौन सा माध्यम उचित है। और हमने उन तमाम विधानसभा चुनावों के इलेक्शंस में वो देखा, हमने देखा कि बाई इलेक्शंस के अंदर चीज़ें बदली हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं तो वो अपने ही जो उनका सीट थी वो सीट हार गए, परंतु उससे उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं होती है क्योंकि उस वक्त जो मुद्दा था उस उपचुनाव का वो फर्क था। आज जो हमारा सर्वे है वो उस इफेक्ट पे बेस करता है कि कितना वर्तमान स्थिति में उस राज्य में प्रभाव पड़ रहा है किस पार्टी का। जो पार्टी मजबूत थी आज से 3 साल पहले, उस पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि स्थितियाँ बदल गई हैं, लोगों की एस्पिरेशंस थी वो चेंज आई है। फिर आपने कहा थर्ड फ्रंट कैसे आ गया,
इंटरेस्टिंगली ये थर्ड फ्रंट ही है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस या बीजेपी से छिटक के बाहर गया था, और ये थर्ड फ्रंट ही है जो कभी ना कभी कांग्रेस बीजेपी के साथ आ जाता है। तो हम अगर हमारे मित्र ने कहा, आपने भी कहा कि शायद राहुल गांधी वो नेतृत्व नहीं बता पा रहे हैं, शायद उनकी जो अपनी पैराशूट की जो नीति रही उत्तर प्रदेश के अंदर वो बहुत कामयाब नहीं रही, इसने ताकत दी है थर्ड फ्रंट को। 101 जो फाइट हुआ करती थी पहले कि एक सत्ताधारी पार्टी है, विपक्ष, विपक्ष मिला जुला है और उसके प्रतिनिधि अलग अलग हैं, आप पाएंगे तो सबका आधार जो है, या तो वो कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें लोग उससे छिटके हैं, जनसंघ की बात करें लोग उससे छिटके हैं, कांग्रेस से भी छिटके हैं। तो ये सभी लोग उन जनता की सोच के साथ आगे आए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे मित्र त्यागी जी जो हमारी हिंदी पत्रिका के एडिटर हैं, संपादक हैं, उन्होंने एक बात कही कि शायद थर्ड फ्रंट का कोई भविष्य नहीं है, हो सकता है भविष्य न रहे, परंतु इतना जरूर है कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इतना बड़ा गेन नहीं कर पा रही हैं, हमारा सर्वे जो कह रहा है, और उसमें संभावनाएं आ रही हैं। हो सकता है संभावना पूरी हो या ना हो, हम नहीं कह रहे कि ये संभावना थर्ड फ्रंट की तरफ जा रही है, पर हाँ दिख तो रहा है कि एक ऐसा मोर्चा आ रहा है जो बीजेपी के पीछे नहीं दिखता, जो कांग्रेस के पीछे नहीं दिखता, और अपने आप में एक बड़ी संख्या है, और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को या तो इन्हें मिलाना पड़ेगा, सैद्धांतिक तौर पर ये नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के साथ, तो शायद बीजेपी यानी NDA या फिर UPA को इनका समर्थन लेना या इन्हें समर्थन देना होगा। सैद्धांतिक रूप से नहीं मिल रहे हैं, समूह संपादक महोदय ये बात कैसे कही जा सकती है? TDP, BSP, BJD, उसके बाद जो है TRS, ये जो बड़ी पार्टियां हैं जो थर्ड फ्रंट में रखी गई हैं हमारे सर्वे के मुताबिक, ये सारी पार्टियां प्रीवियस में बीजेपी के साथ हैं और इसकी चर्चा बहुत आम रही है। तो अगर देखा जाए 243 जो हम NDA की सीट दे रहे हैं पुरोहित जी, मात्र 30 सीटें कम पड़ रही हैं। अगर इन पार्टियों में से 4-5 पार्टियों को भी हमारे अमित शाह जी जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, 30 सीटें हासिल करना उनके लिए कौन सा नामुमकिन काम है? समूह संपादक महोदय, देखिए जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ के राजनीति में शुरू से ही एक्सपर्ट रहे हैं अमित शाह जी और ये बीजेपी, तो इस बारे में उनका कोई कहना नहीं, जवाब नहीं है। पर सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि जिसके हम जिसे अपने कहा कि पुराने पहले कहीं ना कहीं ये इनके घटक दल रहे हैं बीजेपी के साथ में, कांग्रेस साथ में, बट अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज की तारीख में BSP की बात करें, हम समाजवादी की बात करें या दूसरी पार्टी की बात करें, तो इनका जो एक वोट बैंक है वो बीजेपी को लाइक नहीं करता। जैसे सपोज करिए हम बसपा की बात करें या मायावती जी की बात करें, तो उनका जो कैडर है, वोट बैंक है, वो दलित है या मुस्लिम है, वो बीजेपी के साथ बहुत रेयर चांस में जाता है, उत्तर प्रदेश में नहीं जाता, कम से कम दूसरे स्टेट में जाता है। इसी तरह से अगर हम समाजवादी पार्टी बने तो उसका अलग अपना एक वोट बैंक है, हम लोग TSR की बात करें तो उसका वोट बैंक अलग है, वो उसकी माइंडसेट जो है वो बीजेपी के माइंडसेट से थोड़ा सा अलग है प्रेजेंट टाइम में। तो इस समय यदि वो जाता है तो उनका वोट बैंक वो खिसक सकता है, तो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो किसी भी कीमत पे इन बीजेपी के सामने डट के खड़े रहेंगे और उनका रथ रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिंदू मुस्लिम, सॉरी इंटरप्शन के लिए, हिंदू मुस्लिम मुद्दा और देशभक्ति का मुद्दा ऐसा है जिसके ऊपर बीजेपी खेलती रही है हमेशा से, तो इस बार भी खेल रही है वो। हाँ, तो क्या वोटर इस चीज को समझते हुए भी नहीं जाता है बीजेपी की तरफ? यही कारण है कि जो दूसरे जो अब थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, वो थर्ड फ्रंट वाले जब ये हिंदू मुस्लिम या इस तरह के या देशभक्ति की बात करेंगे, जो थर्ड फ्रंट वाला है तो वो विकास, वो चाहते हैं विकास चाहते हैं वो, और वो एक ऐसा मतलब पीसफुल माहौल चाहते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम ना हो, तो इस तरह की मानसिकता वाले जो लोग हैं वो थर्ड फ्रंट के साथ खड़े रहेंगे, और थर्ड फ्रंट के जो लीडर्स हैं उनकी फिर मजबूरी बन जाती है कि उनको साथ बीजेपी के साथ अगर वो लेकर आते हैं तो फिर आने वाले टाइम पर वो फिर कांग्रेस या दूसरे घटक के पास जाने वाले हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि आने वाला फ्यूचर उसका खराब हो, तो इसीलिए उनकी मजबूरी है कि वो अलग खड़े हो गए, या तो बाहर से तमाशा देखें या फिर सरकार बनाए। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे पिछले भी पहली बार में से देवगौड़ा साहब की सरकार बनी या चंद्रशेखर साहब ने सरकार बनाई, दूसरी सरकार बनाई, कांग्रेस ने पीछे समर्थन दिया उनको और आगे से फ्रंट में उन्होंने सरकार बनाई, तो इस बार हो सकता है कि बीजेपी ये काम करे, क्योंकि इस बार बीजेपी गेम प्लेयर प्लान जो करेगी बीजेपी करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस तो एक तरह से बस वो लड़ रही है, उसको लड़ना है, और जो उसका जो उसकी जो पीछे लेगेसी में जो चीज़ें मिली हैं उनको वो भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि नया उसके पास ना तो फिर जैसे अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने बताया था कि उनके पास जो रिवाइवल प्रोग्राम था, प्लान था, वो फेल हो चुका है, बहुत अच्छा नहीं बना पाए वो। सेकंडली, उन्होंने एक वो चौकीदार चोर वाला मुद्दा उठाया था, रफेल का उठाया था, लेकिन वो जहाँ पर ये युद्ध जब से मोदी का या छद्म युद्ध जो चल रहा है पाकिस्तान इंडिया से,
तो उसने उसको पीछे धकेल दिया है। अब चौकीदार चोर नहीं सुन रहे लोग बाग, मोदी का वो सुनना चाहते हैं लोग बाग कि हमने पाकिस्तान को उसके ही लहजे में उससे जबरदस्त जवाब दिया है। तो वो एक अलग वोटर हो गया जो मोदी को जीता, जिसे पहले हम बात कर रहे थे या अगर यदि हम बात करें 2 महीना पहले इस आक्रमण से या युद्ध से पहले बात करें, तो उस समय बीजेपी को लग रहा था कि इस बार बीजेपी पूरी तरह जा रही है और राहुल लीड करेगी चीज़ों को, बट एकदम से चीज़ें चेंज हुई और बीजेपी फिर फ्रंट में आ गई है। बीजेपी फिर एक तरह से गेम प्लान मतलब करने लगी है, वो फिर से एक तो बड़ी ताकत बन के उभरी है। पर उसका जो रथ रोकते दिखाई दे रहे हैं वो क्षेत्रीय दल है, वो क्षेत्रीय दलों का ही एक संगठन सामने आ रहा है। तो बस ये है कि जैसे त्यागी जी ने एक मुद्दा बीच में उठाया, हमारे जो जो डोर के संपादक हैं उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये वास्तव में बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस सर्वे का, अगर अगर वो नहीं होता तो कुछ नहीं है। तो अगर वो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अभी ये है कि प्रधानमंत्री बनेगा तो कैसे बनेगा, 2-2 महीना रहेगा, 6-6 महीना रहेगा, क्योंकि अगर अगर 6 पार्ट अगर 6 प्रोमिनेंट दल है और अगर 6 पार्टी इकट्ठी आती है या 12 पार्टी खड़े होते हैं तो वो 5 साल ही उनके पास, 5 साल में कैसे डिवाइड करेंगे आपस में वो, या मायावती जैसे पिछली बार एक बार गवर्नमेंट बनाई थी बीजेपी के साथ में कि 2.5 साल जब तक राष्ट्रपति रहा तब तक मुख्यमंत्री रही, जैसे बीजेपी का आया तो त्यागपत्र उसको दे दिया उनको। बड़ा चर्चित वाक्य रहा था उत्तर प्रदेश का, जो आप उसी तरह से कहीं ऐसा तो नहीं होगा दोबारा से कि यहाँ पर भी वो जो 6 महीना प्रथम वो छोड़कर भग जाए फिर वो। तो बड़ा ये मतलब एक देखा जाए तो दुर्भाग्य भी है देश का और एक बड़ा मतलब एंटरटेनिंग मोमेंट भी होगा उस समय। जो लोग इस तरह का विश्लेषण होंगे वो तरह तरह की बातें करेंगे, अपनी अपनी तरह की कहानियाँ घड़ेंगे उसमें, तो देखते हैं क्या होगा, तो भविष्य बताएगा। बट बड़ा चुनाव जो है बड़ा एक तरह से उसके रोचक मुकाम चलते हैं। राजनीतिक विश्लेषक स्वप्निल जी के पास, आप तो आंकड़ों के साथ खेलते रहते हैं स्वप्निल जी, 2009 में यूपीए की सरकार बनी थी, 200 से कुछ कम सीटें आई थी यूपीए की, 2000 उससे पहले 4 में भी 200 मेरे ख्याल से 200 सीटें थी यूपीए की, राजेश जी आपको यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 2009 में जब यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, 2004 में 200 से कुछ कम सीटें थी, उससे पहले 98 में जो गवर्नमेंट बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की वो अभी 200 से कम बीजेपी थी, 70-80 सीटों का दोनों पार्टियों ने जुगाड़ कर लिया, क्या लगता है आपको 30 सीटों का जुगाड़ करना उनके लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए मिथिलेश जी, एक तो बड़ी मज़ेदार चीज़ ये हुई कि प्रधानमंत्री कौन होगा इसको लेके, हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है कि फूफा जो है वो शादी में हमेशा नाराज़ हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फूफा हैं इन थर्ड फ्रंट की अगर बात की जाए। दूसरी बात, जब आप कह रहे थे कि क्या 30 सीटों का जो अरेंजमेंट है वो अमित शाह कर पाएंगे, क्योंकि 3 चुनावों में पिछले लगातार मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ और एक छोटी सी बात, आप खुद आप लोग इस आंकड़े को देखें, अगर थर्ड फ्रंट की पार्टियों पे गौर कीजिए तो कोई भी पार्टी इतनी बड़ी बनते हुए नहीं नजर आई जिसके पास 20 से ज्यादा सीटें हों, 30 के आसपास की सीटें हों, कोई पार्टी नहीं नजर आ रही है। सपा बसपा ये जो पार्टियां हैं ये 15-16 पे सिमट गई हैं, जो बड़ी पार्टियां जा रही हैं वो 15-16 पे सिमट रही हैं, कोई भी पार्टी इतनी बड़ी नहीं हो रही है कि 20 से ऊपर हो तो चलिए उसने समर्थन दे दिया 2-4 और आ गए। यानी कि अमित शाह को नाकू चने चबाने पड़ेंगे 30 सीटों का जुगाड़ करने के लिए। दूसरी बात मैंने कही थी कि अभी हमने वामपंथी दलों को कम करके आका है, ये आंकड़ा बढ़ेगा थर्ड फ्रंट का और ये जो खाई है बीजेपी के सामने ये और बढ़ेगी, ये 30 से ज्यादा होगी, ये 40 सीटों की जरूरत पड़ सकती है, 50 की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है कि 100 सीटों की भी जरूरत पड़े, क्योंकि सपा और बसपा को जिस तरीके से हमने देखा है इस आंकड़े में, मैं अभी देख रहा था ये आंकड़ा 12 और 16 का जा रहा था सपा और बसपा का, गठबंधन हुआ है यूपी में, सपा और बसपा मिलाकर के 28 सीटें हमने इस सर्वे के अंतर्गत दी हैं उन्हें। मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको, बीएसपी को 15 सीटें मिली हैं। हाँ 15 सीटें मिली हैं, सॉरी 27 सीटें टोटल हो गई, 27 सीटें, चलिए एक ज्यादा मैंने बता दिया था, टोटल 27 सीटें इस गठबंधन को मिल रही हैं। और भी दल हैं, 80 सीटों में से क्या सिर्फ 30 सीटें उस गठबंधन को मिलेंगी, जबकि बिहार में यही गठबंधन हुआ था हमने देखा था पूरी तरीके से पोलराइज हो गया था, वो जनता दल यूनाइटेड और आरएलडी और बाकी कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ था पूरी तरीके से पोलराइज कराने में वो सक्षम हो गए थे सारे दल। एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जेडीयू का एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूंगा अपनी बात खत्म करने से पहले, कि जेडीयू ने जिस तरीके से, जेडीयू का आप आंकड़ा देख लीजिए यहाँ पर क्या आंकड़ा उसे मिलता हुआ दिख रहा है इस सर्वे की अगर माने तो, जेडीयू बहुत तेजी से नीचे आई है और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि वो किसी और गठबंधन के साथ सरकार में गई थी और बाद में उसका गठबंधन भाजपा के साथ हो गया, तो जो आइडियोलॉजी है उसके साथ वो कहीं ना कहीं कोरिलेट नहीं कर पाई। वो पुराना जमाना था मिथिलेश जी, जब लोग कहते थे कि जनता सब भूल जाती है, सोशल मीडिया का जमाना है, जनता सब याद रखती है, और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि अमित शाह जी 30 का आंकड़ा बहुत आसानी से कम टच नहीं कर पाएंगे,
आंकड़े और बढ़ेंगे भी, और ये 30 का जुगाड़ करना इतना आसान नहीं, क्योंकि कोई भी थर्ड फ्रंट की पार्टी इतनी बड़ी नहीं है कि वो सीधे समर्थन उन्हें दे सके। राकेश जी, पुनः आप बहुत प्रक्रिया में गए हुए हैं सर्वे करने के लिए, कई कई दिन आप अपनी टीम के साथ बैठे रहे रिसर्च करने के लिए। अगर थर्ड फ्रंट सरकार बनाती है, मान लिया जाए इस चीज़ को लेकर जिसकी उम्मीद दिख रही है हमारे सर्वे के मुताबिक, बीजेपी या कांग्रेस, इस पर आप प्रकाश डालें, किसके साथ जाएगी थर्ड फ्रंट? देखिए, हमारे पास तो बहुत विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे मित्र यहाँ मौजूद हैं और साथ में संपादक साहब हैं, ग्रुप एडिटर हैं, तो पॉलिटिकल गेम क्या रहेगा इस पे कहना मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे सर्वे में अदर्स जो हैं वो 31 पा रहे हैं, और ये अदर्स जो हैं इनमें क्योंकि हम सीट वाइज बहुत डिटेल में सर्वे नहीं कर पाए थे, हम एक रैंडम स्टडी ली थी हमने, तो उस रैंडम स्टडी के अंदर ये जो अदर्स है ये काफ़ी हद तक कम्युनिस्ट पार्टीज़ की सीटें हैं, जो CPIM, CPI, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, RSP हैं, इसमें वो सीटें शामिल हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे दल जो महाराष्ट्र में हैं, और साथ ही साथ जो हैं कुछ और पार्टीज़ जो हैं जो दूसरे राज्यों में हैं, जिनकी डिटेल हमने एक अदर्स जो स्टेट वाइज हमारी जो समरी है उसमें डाल दी है। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कि अमित शाह जी के लिए शायद मुश्किल रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो तो उनकी काबिलियत डिपेंड करता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर देखा है कि व्यक्ति जो किसी पार्टी से नहीं है, जिसका कोई फॉलोवर सपोर्टर नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री बने। हमारे राज्य में एक व्यक्ति, अकेले व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, मधु गोड़ा जी का। हाँ जी, तो हमने वो भी देखा, हमने वो भी देखा कि लोग जो छोटे दल रहे उन्होंने अपने आप को ऐसे पेश किया, मैं ट्रेड किया नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे पेश किया कि बड़ी पार्टियों को उनके साथ आना पड़ा। अगर आप 50 लोगों का एक ग्रुप बना लिया जाए जिसमें ये बात साबित हो कि कौन सा व्यक्ति किस तरह से समर्थन देगा, दो हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे, बीजेपी ने स्वयं थर्ड फ्रंट की पार्टी को समर्थन दिया हुआ है। अगर आप देखें 1989 में जो चुनाव हुए थे, 1990 तक जो है वो बीजेपी थर्ड फ्रंट, जो विष्णु प्रताप सिंह जिस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो वो सपोर्ट किया हुआ था, तो उनके लिए कुछ नया अनुभव नहीं है। कोई भी पार्टी दोबारा चुनाव में नहीं जाना चाहेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीजेपी बहुत से कार्यक्रम हैं जो अभी उन्होंने लागू किए हैं, वो चाहेंगे कि कार्यक्रम जारी रहें, वो नहीं चाहेंगे कोई ऐसी पार्टी सत्ता में आए जिनसे उनके कार्यक्रमों को झटका लगे, क्योंकि उन्हें अगला चुनाव फिर सामने है। तो कहीं ना कहीं सबकी अपनी कंपल्शन है लोगों की, लेकिन हाँ, जैसे हरिओम त्यागी ने कहा कि ये एक सबकी पहचान की लड़ाई है, हर दल अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है। और जहाँ तक सवाल देशभक्ति का है, तो हमारे क्योंकि लोकतंत्र है तो सभी राजनीतिक दल एक ही भाषा में हैं, सभी देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, सब विकास की बातें कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे चुनाव की गर्मी बढ़ेगी तो ये देशभक्ति वाला जो माहौल है ये तो सबके अंदर रहेगा ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी जोर पकड़ेंगे। शुरुआत के तौर पर आप बेशक हंसते हैं, लेकिन जैसे जैसे बात बढ़ेगी आगे, नेता सामने आएंगे, तो स्थानीय मुद्दों का जैसे हर वक्त होता ही है कि आप हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं तो पोलराइजेशन वो भी होगा, जात पात को लेकर के भी टिकट बांटे जाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग अपने नेता को, चाहे वो, अगर आप याद हो मोदी जी ने गुजरात से कहा था कि मुझे पूरा मैंडेट चाहिए क्योंकि आपका गुजरात का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जा रहा है, ये बात हो रहा है कि उन्होंने गुजरात की सीट छोड़ी और फिर उत्तर प्रदेश की सीट को कायम रखा, तो हर क्षेत्र का व्यक्ति वो अपने नेता को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो अगर कहीं पर ये बात तमिलनाडु में या कर्नाटक में, उड़ीसा में, बिहार में, यूपी में जोर पकड़ ले कि उनके क्षेत्र का व्यक्ति या उनका अपना व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, और मोदी साहब खुद ये बात कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश को वाराणसी से हूँ, उन्हीं का बेटा हूँ, तो वो बात जहाँ भी जोर पड़ सकती है। और जैसे कि हमारे संपादक महोदय ने भी कहा, हमारे चीफ एडिटर ने भी कहा कि लोग जो हैं अपनी आइडियोलॉजी को फाइट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, अगर वो बीजेपी की धारा में चले गए तो शायद अगले चुनाव में नजर भी नहीं आएंगे, तो उनके लिए जरूरी है कि किसी के पीछे खड़ा ना होना, और वो क्योंकि अपनी जगह खड़े रहेंगे तो शायद मुश्किल रहे, हो सकता है संभव, तो हम संभावना की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सर्वे ने ये बात सामने लेके आई है कि थर्ड फ्रंट का रोल हो सकता है तकरीबन उसी स्थिति में जैसे 1989 में बीजेपी के सपोर्ट के बिना विष्णु प्रताप सिंह शायद सरकार नहीं बना पाते और उन्हें हटाया तो वो गिर गई, सगा गिर गई थी,
या फिर चंद्रशेखर साहब ने जो सरकार बनाई कांग्रेस के साथ लेकर के, तो शायद जैसे हर दौर घूम के आता है ये दौर है, और हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि लोगों को अपनी आइडियोलॉजी पे टिके रहना भी अपने आप में एक मुश्किल कार्य रहेगा इस चुनाव के अंदर। हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए। कुलदीप जी, इस बात से तो इनकार आपको भी नहीं होगा कि भाजपा का विकल्प तमाम नाराजगी के बावजूद कांग्रेस नहीं बन पा रही है। क्या लगता है कि थर्ड फ्रंट उभर रहा है और कांग्रेस मुख्य धारा की पार्टी के बजाय एक पिछलग्गू बन के रह गई है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते आपके वो पिछलग्गू बन के रह गई है। यूपी में प्रियंका के आने का काफी असर पड़ेगा। कितना, क्या थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल में बताएं, कांग्रेस क्यों नहीं दिख रही है सरकार बनाते हुए भाजपा का मुकाबला करते हुए? मेरी समझ तो ये आता है कि यूपी में कांग्रेस गठबंधन से अलग लड़ रही है, वो एक रणनीति के तहत लड़ा जा रहा है कि ताकि कांग्रेस का बेस बैंक वो भाजपा को शिफ्ट ना हो जाए। तो उसको बचा के वो क्या करेगी, क्या 2024 की तैयारी करेगी वो बेस बैंक? क्योंकि अभी तो चुनाव में ये दिख रहा है कि यूपीए के साथ 103 सीटें पा रही है कांग्रेस पुरोहित जी, और यूपीए पूरा 143 सीटें, तो इतनी सीटें लेके मजबूत विपक्ष कैसे बन पाएगा कांग्रेस, कैसे बन पाएगी? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अभी सर्वे जो है कहीं ना कहीं खामियां रही होंगी, तो कांग्रेस ज्यादा सीटें मिल रही है। मुझे लगता है ज्यादा कितनी एक आपको क्या लगता है, रहे हैं इस फील्ड में सक्रिय और तमाम लिखते रहे हैं लेख और चीजों को एनालाइज करते रहे, मैक्सिमम कितनी सीटें आप दे सकते हैं कांग्रेस को एक सकारात्मक बात की जाए तो? करीब 125। 15 सीटें बढ़ोतरी हो रही हैं और कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि वह भाजपा का मुकाबला करने में विफल रही है। समूह संपादक महोदय, कांग्रेस की स्थिति पे आपके पास आ रहा हूँ सर, आपके पास जस्ट आया समूह संपादक महोदय, कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय क्यों? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, कांग्रेस की स्थिति दयनीय इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो लोकल लीडरशिप थी उसको नहीं उन्होंने डेवलप किया। एक्चुअली वो कुछ उनके लीडर्स हैं, उन्हीं लीडर्स पे भरोसा करते रहे वो। बीजेपी ने क्या किया है कि लोकल लीडर्स को अडॉप्ट कर लिया, या तो उनको डेवलप किया है, नहीं तो फिर जो लोकल दूसरी पार्टी के लीडर थे उनको अपने साथ एसोसिएट कर लिया। कांग्रेस ये काम नहीं कर पाई है, उसके पीछे रीजन गए कुछ भी रहा हो, या ये भी कारण कह सकते हैं कि उनके पास में कोई ऐसा बड़ा नेतृत्व था जो ये प्लान करे सारी चीज़ों को, क्योंकि हर इंसान अपने लिए चुनाव लड़ता है। राहुल जी अपने लिए प्लान करें वो शायद उस माइंड सेट में नहीं है, बट उसके जो दूसरे नेता है सेकंड लीडर है वो उस तरह की प्लानिंग करें वो नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सपोज करिए कमलनाथ जी, तो वो चाहेंगे कि भी हम मध्य प्रदेश के लिए प्लान करें, गहलोत जी हैं सचिन पायलट है तो वो राजस्थान के लिए प्लान कर रहे हैं अपने लिए, पर नेशनल वाइड यदि बात करें तो कोई ऐसा उनका ऐसा नेता नहीं कि पूरे नेशनल को जीतने के लिए पूरे राष्ट्र को जीतने के लिए वो प्लान करें वो। जबकि बीजेपी के पास में स्पेशल एक अलग से टीम है जो पूरे नेशनल के लिए काम करती है और लोकल वाइज उनके अपने अपने लीडर्स हैं। तो कांग्रेस की यही खामियां है, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास आइडियोलॉजी है, एक बहुत लंबा इतिहास है, पर यह है कि आज की तारीख में उनके पास में जो पूरा एक प्ले करने के लिए जो खिलाड़ी है या प्लेयर है वो प्लेयर डेवलप नहीं किए उन्होंने। जो मैच प्लान किया उन्होंने जिस तरह से किया है तो उसमें बैटिंग करना और बैट उनके बॉलर बैट एक बैलेंस नहीं बनाया उन्होंने। उन्होंने सिंपल एक चीज़ देखा कि भाई ठीक है हमारा कैप्टन ये है और पीछे कौन से लोग हैं कैसे खिलाड़ी हैं उनको उनका ध्यान नहीं दिया वो बेसिकली, या तो ये कह सकते दूसरा कुछ ये भी कह सकते हैं हम लोग कि कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी जो त्रासदी है वो ये रही है कि पिछले 10 साल में उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक कोचिंग सेंटर बना दिया राजनीति के लिए, राजनीति का, जिसमें वो राहुल गांधी को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं राजनीति, उसको राजनेता बनाने के लिए राहुल गांधी जी के लिए पूरे देश को उन्होंने एक वो बना दिया है, कोचिंग सेंटर बना दिया। तो शायद एक त्रिशात ये भी एक बड़ी विडंबना है जिस वजह से कांग्रेस का जो रिवाइवल है वो प्लान चौपट हो जा रहा है। तो क्या कांग्रेस कोचिंग सेंटर के जरिए देश की राजनीति को कोचिंग सेंटर बना के और राहुल गांधी को ट्रेंड कर रही है? क्या कांग्रेस के पास ऐसे लीडरशिप नहीं है? इन्हीं विषयों के साथ एक बार पुनः हम चलते हैं अपने राजनीतिक विश्लेषक स्वप्निल जी के पास। स्वप्निल जी, 50 सालों तक अमित शाह जी का दावा था, नरेंद्र मोदी का दावा था कि वह शासन करेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, क्या हो गया कि वो बहुमत से संघर्ष करती दिख रही है जबकि इतनी धांसू लीडरशिप है उनके पास, अगर देसी भाषा में कहा जाए तो इतनी मजबूत लीडरशिप है उनके पास, फिर क्या हुआ कि वो बहुमत से संघर्ष कर रहे हैं? क्या बीजेपी की क्या कमियां रह गई? मिथिलेश जी, जहां तक कांग्रेस की बात है और बीजेपी की भी बात है, एक बड़ी मार्के की चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ। अभी बीजेपी हम ये देख रहे हैं कि 2-3 लोगों की टिकट्स जो हैं
वो कट चुके हैं, कटते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा बाहर हो रहे हैं, वरुण गांधी बाहर हो रहे हैं, मेनका बाहर हो रही है। ये तीन लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे से बाहर छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बहुत पहले से एक चीज़ ये भी चली आ रही है अंदर खाने की, कहीं ना कहीं वरुण और मेनका ये दोनों अपने परिवार की पार्टी में शिफ्ट होने वाले हैं। ये क्या सोर्स है? क्योंकि बहुत दिनों से ये सूत्रों के हवाले से आ रही हो, चाहे जैसे भी आ रही हो, आपके पास भी ये खबरें आ रही होंगी कि ये, और इसकी कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि भी है, ये इन लोगों के टिकट का कटना या इन लोगों का छिटकते हुए बीजेपी से दिखना, ये इस बात की पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में तो हैं ये लोग। नहीं, ये सुप्रीम जी पिछली बार भी ऐसी बातें चली थी, पर लास्ट में आके फिर उन्होंने वहीं से भी जो पिछली बार से टिकट रिवर उठता है सर, पिछली बार वो छिटके नहीं थे, इस बार छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से पहुंच रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो बिल्कुल ठीक है, वो हर जगह हर मंच में अलग ही नजर आए हैं, कभी आम आदमी पार्टी साथ, बिल्कुल बिल्कुल ममता के साथ, बट मेनका और वरुण जी की बात करें तो वो तो कभी भी, उन्होंने तो हमेशा, वो तो मंत्री भी है, सेंटर में मिनिस्टर भी है, नजर आ रहे हैं। और ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, कैसे कैसे कहोगे आप? नहीं, जहाँ तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरीके के घटनाक्रम रहे हैं, जिस तरीके से वरुण गांधी को कहीं ना कहीं एक हाशिए पे रखा गया सरकार में, तो उसको लेके ये चीज बहुत स्पष्ट है। त्वरित कमेंट ले लेता हूँ राकेश जी का सर, एक कांग्रेस त्वरित कमेंट चूंकि छूट जाएगा सुनील जी, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा इसके बाद। क्या सच में मतलब कांग्रेस के जो लोग हैं चाहते हैं कि दोनों परिवार मिल जाए, वरुण गांधी के अंदर एक बड़ा नेतृत्व है, तो सच में कोई तालमेल हो सकता है? आपने तो ग्राउंड पर रिसर्च किया है मिथिलेश जी, एक बात मैं हमारे जो संपादन होते हैं उनकी बात को मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि एक तो उन्होंने कहा कि शायद हमारे सर्वे में कमी रह गई है। ये सर्वे पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से किया गया है, जिस आधार पर किया गया है बता चुका हूँ कि जो पार्टीज़ के परफॉर्मेंस रही हैं और जैसे जैसे चुनाव के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस आई है उसी हिसाब से उनकी परसेंटेज ऑफ विनिंग चांसेस घट और बढ़ रहे हैं। और अगर हम कांग्रेस को सीटें दे रहे हैं, अगर 15 सीटें संपादन होकर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें और डीप में जाकर देखना पड़ेगा किस राज्य से आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक सीमित प्रभाव है हर राज्य के अंदर, और जो हमारे सर्वे के हिसाब से है वो कहीं पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी नजर नहीं आई है, कहीं पे भी नंबर वन, बहुत एक दो प्रदेश हैं कि जहाँ पर वो नंबर वन पार्टी नजर आ रही है, वरना अदरवाइज वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा फाइट के अंदर कुछ गेन कर सकती नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा ये सर्वे है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि ये 5% का जो हमारा अभी फॉर्मूला हमने किया है, 5% का हेर फेर हो सकता है। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस क्या नीति धारण कर रही है, देखिए जब हम एक ओपिनियन की बात करते हैं, ये ओपिनियन पोल पे ही हम लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो ओपिनियन के जो कारण होते हैं वो इतिहास होता है। तो हमारे विशेषज्ञ महोदय ने कहा कि ये खबरें आ रही हैं, हमारे जो हरिओम त्यागी जी ने बताया कि ये पहले भी होता रहा है तो उससे नहीं होगा, तो क्योंकि हमने इतिहास के तौर पर देखा है कि चीज़ें कुछ बार निकलती हैं, चर्चाएँ होती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। मुझे इसकी संभावनाएँ कम लगती हैं कि कांग्रेस को किसी और का साथ मिलने वाला है, जितना वो अपने आप को फैला चुके थे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि दोनों सीटें, चाहे वरुण जी की सीट हो या मेनका जी की सीट हो, ये दोनों की दोनों उत्तर प्रदेश को ही प्रभावित करेंगी, पीलीभीत है और दूसरी सुल्तानपुर। तो इन दोनों सीटों के ऊपर अगर प्रभाव पड़ेगा भी तो वो कांग्रेस को बहुत गेन नहीं देगा, क्योंकि वो इक्की दुक्की सीटें ही हैं, वो बहुत लैंडस्लाइड करके कुछ विन नहीं हो जाएगा। और इन दोनों का जो प्रभाव क्षेत्र है, चाहे वरुण जी का हो मेनका जी का हो, वो इन्हीं दोनों सीटों के अलावा और कहीं आता भी नहीं। तो अगर दोनों ही संभावना उनके आने ना आने की भी हो, तो कांग्रेस बहुत गेन नहीं कर रही है, वो लगभग उसी स्तर पे है, शायद एक सीट यहाँ एक सीट वहाँ, हम 3-5% के बीच का जो गैप कर रहे हैं तो शायद ये वही गैप हो जो मेनका जी के आने या ना आने से बने। परंतु जैसे हमने कहा कि ओपिनियन जो बनती है वो पिछले आधार के ऊपर, पिछली परफॉर्मेंस के साथ बनती है, तो आप भी यही कहेंगे कि शायद वो ना आए, क्योंकि उनका अस्तित्व का झगड़ा भी है उनका, अगर वो फिर कांग्रेस से मिल जाएंगे तो जिसके लिए मेनका जी ने इतने सालों साल फाइट की, इंदिरा गांधी जी के रहते हुए फाइट करी, वो फिर उस अस्तित्व के ऊपर उनका सवाल आ जाएगा, क्योंकि संजय गांधी एक बड़े मजबूत नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस की लेगेसी को लेने के बजाय अलग एक रास्ता चुना मेनका जी ने, तो वो अपने उन तमाम निर्णयों को गलत बता देंगी अगर वो जाएंगी, पर राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपसे यही सवाल दोहराना चाहूँगा कि बीजेपी क्या ऐसी बड़ी गलतियाँ थी कि वो 50 साल शासन करने की बजाय इस 5 साल के बाद वो संघर्ष करने लगी, क्या क्या आपको क्या लगता है? कांग्रेस ने भी जब भारत आज़ाद हुआ होगा ये नहीं सोचा था कि वो 60 साल शासन करें,
ये तो स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट है, लोग अपनी विचारधारा नई जनरेशन नई चीज़ के हिसाब से बदलती रहती है। और बेशक अमित शाह जी से पूछेंगे तो 50 साल को वो करेक्ट करके 100 साल कहना चाहेंगे, 200 साल कहना चाहेंगे, परंतु ये जनता की राय है। हम जब ओपिनियन बनाते हैं वो बनाते हैं जो फीडबैक मिल रही है। अगर उपचुनाव की 5 सीटें हम हार जाते हैं और अगर मान लीजिए हम बहुत क्लोज फाइट में राजस्थान को छोड़ देते हैं और मध्य प्रदेश में भी स्ट्रगल हमारा चल रहा होता है, तो हमें अपने उस विश्वास पे फिर सोचना पड़ता। तो हर बार 5 साल बाद उन्हें मैंडेट देना ही पड़ेगा, 50 साल के लिए उन्हें 10 बार मैंडेट देना पड़ेगा, और हर बार उनके जो काम हैं पिछले की ये काम हैं उनको आंका जाएगा। जनता आकेगी लोकसभा में उनका जो कार्यक्रम रहा उसको लेके आकेगी, विधानसभाएं जहां उनकी हैं उसको लेके आकेगी। तो अमित शाह जी अपनी स्ट्रेटजी बनाए, राहुल जी अपनी स्ट्रेटजी बनाए, लेकिन उन सबका रिजल्ट पे मार्किंग जनता देने वाली है, अपनी राय देने वाली है। जो फिलहाल अभी जो माहौल है हमारा वो बहुत सदी भी राय दे रही है। जैसे आप अगर छत्तीसगढ़ को भूल जाइए तो तेलंगाना में तो स्वाभाविक था, सिर्फ लोकल दल की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों दलों को खूब मजा दिखाया जनता ने, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी किसी तरफ स्विंग नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी को भी पूरा नहीं ले सकते, सेंटर के इम्प्लीमेंटेशन पूरा नहीं ले सकते, तो जनता जो है एक अलग मूड में दिख रही है इस वक्त। वो लोकसभा चुनाव बेशक है लेकिन थोड़ा प्रभाव, जैसे हमारे विशेषज्ञ महोदय ने बताया कि 67 अभूतपूर्व, लेकिन उससे पहले एक साल पहले 7 बीजेपी लोकसभा, उसके बाद म्युनिसिपल के इलेक्शन आते हैं तो तीनों वार्ड से एक भी जीत पाए आम आदमी पार्टी। तो हमारा जो फॉर्मूला है जिसे हम फॉर्मुलेट किया, इसको जिससे हम लोगों ने इसका निर्णय निकाला, आम आदमी पार्टी हमारे को एक ही सीट समझ आ रही है, वो इसलिए कि क्योंकि उनकी पिछली परफॉर्मेंस जो विधानसभा चुनाव के बाद जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रही वो बहुत बुरी रही, मतलब बुरी मतलब उतनी नहीं थी जितना उस, क्योंकि बीजेपी जीती है, तीनों वार्ड जीती है, तीनों जो बोर्ड है वो जीती, मतलब जो तीनों मेयर दिल्ली में बीजेपी के हैं। तो आप इसको दर्दना नहीं कर सकते। अब कांग्रेस रिवाइवल हुआ है तो कांग्रेस की भी एक सीट बन रही है, ये सीट इसलिए बन रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लीडरशिप है, जो क्षेत्रीय लीडरशिप है, वो सिमट कर रह गई है हमारी मनोज तिवारी के साथ। तो वो एक तरह का जो बीजेपी का एक फैलाव था, जैसे जो मदनलाल खुराना साहब थे, साहिब सिंह वर्मा थे, जो दिल्ली वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं उनसे आइडेंटिफाई करते थे। एक स्पेशल वर्ग है जो मनोज तिवारी जी रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूरे दिल्ली के वर्ग को कहीं ना कहीं, अगर सेंट्रल की बात ना करें सिर्फ लोकल लीडरशिप की बात करें, तो वो रिप्रेजेंटेशन पिछले 3-4 सालों से दिल्ली में नहीं है बीजेपी का। तो उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, परंतु हर पार्टी हर दल जो अभी आगे बढ़ रहा है वो अपने पिछले कदम से ही आगे बढ़ेगा। नया कदम उठाने के लिए पिछले कदम की गणना करनी पड़ेगी, उससे पिछला कदम क्या था तभी आप समझ पाओगे कहाँ जाएंगे। अगर आपने कदम नहीं उठाया है, आगे नहीं बढ़े हैं आप, अगर बीएसपी पिछले उपचुनाव में बेहतर नहीं करती तो इस बार उसके क्या चांस थे कुछ सीट मिलने के। परंतु उसने उपचुनावों को लड़ा नहीं, लेकिन समर्थन उसका जबरदस्त था। सर एक पॉइंट और भी है जिसमें मैं हमें देखना चाहिए, पिछली बार जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, जो आंकड़े आए थे वो ये आए थे कि 69% लोगों ने मतदान किया था, जो टोटल मतदाता थे उनमें से मात्र 69% लोगों ने मतदान किया था। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी, लोगों को जागरूक बहुत तेज़ी से किया गया था, कैंपेन चलाया था चुनाव आयोग ने भी कि वोटर जो है वो घर से बाहर निकले। एक आंकड़ा और ये था कि 50-60 लाख नए जो वोटर्स थे वो थे। इस बार जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया है वो ये है कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास नए वोटर, 8.5 करोड़1.5 करोड़ के आसपास नए वोटर्स हैं। और नए जो वोटर्स होते हैं उनके अंदर एक रुझान होता है वोट देने का, वो घर से निकलते ही निकलते हैं। 69% मतदान हुआ था, 31% अदर्स के खाते में गया था, और 39% जो था वो एनडीए बीजेपी और उसके जो घटक दल थे उनके उसमें गया था, 39% जो मतदान था। हमें मत प्रतिशत पे इसलिए भी बात करना आवश्यक है इस समय, क्योंकि सीटों का आंकड़ा चाहे जितना भी बड़ा हो, जितनी बड़ी खाई दिख रही हो, लेकिन जो मत प्रतिशत था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं था। बीजेपी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पा रही थी, वो 8% के आसपास का अंतराल था।
तो कहीं ना कहीं मत प्रतिशत पे भी हमें नजर रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मत प्रतिशत जो है बीजेपी का और कम हो जाए, और अगर ये कम होता है तो ये तय है कि सीटें और भी ज़्यादा कम हो सकती हैं। बीजेपी को हम ये ना माने कि वो 200 प्लस जा ही रही है, ये मत प्रतिशत भी बहुत मायने रखता है। नहीं, सही बात है, और मत प्रतिशत का तो खेल ऐसा है कि मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत अधिक था, लेकिन अब वहाँ पे कमलनाथ गवर्नमेंट है। खैर, जनता सर्वोपरि है। और चलते चलते क्लोजिंग कमेंट हम लेंगे अपने सभी मेहमानों से, सभी एक्सपर्ट से। क्या मुद्दे रहने वाले हैं समूह संपादक महोदय, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? 10-15 दिन का मेनली चुनाव प्रचार है, वैसे 1-1.5 महीने का चुनाव प्रचार है, क्या मूल मुद्दे? जबकि हम देख रहे हैं, जैसे आपने मुद्दों की बात की है, तो अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपना एक नेशनलिज्म का या देशभक्ति के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है जैसा दिख रहा है अभी, और वो चाहेगी पूरे देश को आंदोलित करे, युद्ध की बातों को बातें करे, युद्ध की कहानियाँ गढ़े और उन पर वो फोकस रखे, जिससे सारे जितने भी उनके फेलियर हैं वो ढल जाए उसमें। वहीं कांग्रेस जो है, जो फेलियर हैं उनको वो करेगी, जो रीजनल पार्टी है वो रीजनल मुद्दे उठाएंगे, जैसे किसानों को अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ किसानों को गन्ने का पेमेंट नहीं मिला, या सच्चाई प्रॉपर नहीं मिली है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी रही हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार घटा हुआ है, तो व्यापार नहीं बढ़े बिजनेस में, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजनल मुद्दे हैं वो लोग वहाँ के उठा रहे हैं। तो रीजनल पार्टी मुद्दों को लेकर आगे आएंगी, जो बीजेपी वगैरह थोड़ी कोशिश करेंगी, तो रीजनल एरिया पे रीजनल मुद्दे वहाँ पर उछाए रहेंगे नेशनल। लेकिन बीजेपी चाहेगी सबसे मुद्दों से ध्यान, मतलब ध्यान बढ़ा जाए जनता का, जनता बस सिर्फ युद्ध के माहौल में ही बनी रहे, तो ये सारी चीज़ रहने वाली है। अब देखते हैं कि अगर बीजेपी की पॉलिसी अगर कामयाब होती है, यदि बीजेपी अपने गेम प्लान में सक्सेस जाती है, तो वो कोई डाउट नहीं है, तो फिर आपका ये 243 का जो आंकड़ा है ये 343 भी पहुँच सकता है, अगर वो युद्ध में सबको कर सकती है वो। क्योंकि एक देशभक्ति की ऐसी भावना होती है, जब उसमें आक्रोश कोई भी इंसान होता है तो वो फिर अपना सिर शीश कटाने को चाहता है, अपने को झोंकना चाहता है वो। तो यदि उन्होंने उस तरह की संवेदनाएं भर दी इस मतलब देशवासियों के अंदर कि हम लोग एक युद्ध करने जा रहे हैं और एक पाकिस्तान को जो हमारा चिरफिरती द्वंद्वी रहा है उसको हराने की बात कर रहे हैं, उसको हम नामोनिशान मिटा देंगे आने वाले अगर हम जीतते हैं, अगर इस तरह की भावनाएं हम उन्होंने जगा पाए वो, तो नेशनली गेम इस समय बीजेपी का होगा। पर यदि राहुल गांधी जी इन सबसे मुद्दों से उनका ध्यान केंद्रित कर पाए या दूसरी रीजनल पार्टी अपने मुद्दों को उठा पाई, तो बीजेपी हो सकता है कि 100 से नीचे भी आए, तो ये देखते हैं, वक्त बताएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम ज़्यादा नहीं है चुनाव में। एक आज से एक मंथ बाद पहला चुनाव शुरू, पहला जो मत पड़ना शुरू हो जाएगा, तो आई थिंक ये तो अभी भाग्य दादाओं के हाथ में जो हमारे मतदाता हैं, तो देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद कुलदीप जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। राकेश जी ने बताया कि भाई उनका जो सर्वे है वो पुराने चुनावों को लेकर के आधारित है, तो यहाँ पुराने सर्वे ये भी बताते हैं कि भाई पुराने जो चुनाव के नतीजे आए वो सर्वे सब ध्वस्त हो गए। ठीक, मुझे लगता है कि सर्वे जो है देश का मोड़ भांपने में जो है पूरी तरह सक्षम नहीं उतर, मतलब खरा नहीं उतर पाएगा। अभी देशभक्ति का माहौल था देश में अभी पिछले दिनों से, हाल ही में एक बहुत बड़ा आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में ख़त्म हुआ है, 24 करोड़ लोग उसमें आए, पूरे देश भर से आए, उसका मैसेज भी जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि कहीं जो है कहीं ना कहीं जो थर्ड फ्रंट की बात जो बिल्कुल बेमानी। किसकी सरकार आ रही है कुलदीप जी, चलते चलते एक बात और, किसी की भी आए देश बट के नहीं आएगी ना, उसमें तो ऐसा नहीं है कि भाई जो है सरकार तो किसी भी की आ सकती है, परीक्षा तो जो है नेताओं ने देनी है, अंग जनता देगी। आप सीधी तरह से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस को आप 125 सीटें दे चुके हैं तो जनता समझ रही है कि आप क्या कर रहे हैं। बहरहाल स्वप्निल जी, आपको क्या लगता है क्लोजिंग कमेंट में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, बड़े देशभक्ति मुस्लिम तुष्टिकरण के अलावा, 2-3 पॉइंट में अपनी बात खत्म करें। देखिए, मुद्दे तो बहुत स्पष्ट हैं। एक तो हरिओम जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि कहीं ना कहीं युद्धोन्माद की प्रवृत्ति जो है वो लागू हो रही है पूरे देश में, और जो हमारा रिवायती हरीफ है उसके खिलाफ चारों तरफ से जो है एक ये दिखाया जा रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है। देखना ये भी होगा, जैसे आज जयराम रमेश की प्रेस वार्ता हुई, उसमें कुछ आरोप और लगाए गए कि नोटबंदी को लेके जो आरबीआई के तत्कालिक निदेशक थे वो सहमत नहीं थे, वो समर्थन में नहीं थे, वो उसका विरोध कर रहे थे, वो उसके साथ नहीं जा रहे थे। राफेल को लेके चीज़ें आ रहे हैं और तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे कांग्रेस उजागर कर रही है। अब देखना ये होगा कि जो मतदाता है
वो अब किस पे ज्यादा भरोसा करता है, वो राहुल गांधी के चेहरे पे भरोसा कर पाता है, उनकी बातों को सही मानता है, उन आरोपों को सही मानता है, नोटबंदी से परेशान होता है नहीं होता है, या फिर चूंकि औपनिवेश रहा है हमारा देश, गुलाम रहा है, और जो जो देश भी गुलाम रहे हैं वहां पे देश प्रेम की भावना बहुत, एक कह लीजिए कि अगर किसी इंसान के शरीर के मस्तिष्क में 70% अगर भावनाएं देखी जाए वो देश प्रेम की हो जाती हैं, क्योंकि हम गुलाम रहे, हमने संघर्ष किया है। तो एक ये भी फैक्ट है कि युद्धोन्माद की अगर प्रवृत्ति इस तरीके से लागू होती रही तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। अगर मुद्दों की बात की जाए और कांग्रेस की, अगर राहुल गांधी के फेस पे लोग भरोसा कर लेते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिलता दिख रहा है। सर्वे के साथ आंशिक रूप से जाना चाहूंगा क्योंकि थर्ड फ्रंट कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है और मैं भी मानता हूं थर्ड फ्रंट मजबूत होगा। राकेश जी, बड़ी लंबी चर्चा की हमने विभिन्न पक्षों पे सर्वे के, कुछ चमत्कार हो सकता है जो देश का मूड दिख रहा है, जो हमारे सारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे हमारे जितने मित्र यहाँ पे हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितने मुद्दे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ये वो मुद्दे हैं जो अपने चरमोत्कर्ष पे ऑलरेडी हैं। हम पाकिस्तान के ऊपर एक तरह का सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, उसका रिजल्ट हम देख चुके हैं। पाकिस्तान ने भी स्ट्राइक किया, हमने फिर उसको रिटेलिएट किया। वो अपने देशभक्ति वाली जो एलिमेंट है वो अपने चरमोत्कर्ष पे है, इससे और बढ़ाया तब जा सकता है कि युद्ध वाकई हो जाए। दूसरा, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है राफेल पे कि चौकीदार चोर है या फिर नए मुद्दे हैं, अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट की भी इसने वर्डिंग कर रखी है और तमाम चीज़ें हैं, तो जनता इसको भी एनालाइज कर चुकी है अनटिल अनलेस कोई नया बहुत बड़ा घोटाला निकल के ना आ जाए। जहाँ तक सवाल जो लोकल मुद्दों का है, जिन लोगों को, क्योंकि अब आचार संहिता लागू है तो सरकार कोई नई योजना लागू कर सकती नहीं है, तो कोई लोक भवन कोई वादा करना हो तो वो उसकी संभावना भी हम खत्म कर चुके हैं कि 15 लाख की बात को देख चुके हैं। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 6000 तो आई गई कुछ लोगों के पास। हाँ बिल्कुल, 6000 15 लाख की बात भी कब की गई? हाँ उनकी रिकॉर्डिंग है सर, वो रिकॉर्डिंग है, बकायदा रिकॉर्डिंग है। हाँ जी, तो अभी जो मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा वो इस तरीके से कि क्योंकि कोई बहुत बड़ा मुद्दा कोई पार्टी नया नहीं बनाने वाली है, अपने उन्हीं मुद्दों को वो परिपक्व करेंगी, उन्हें बढ़ाएंगी। अगर वो सभी अपने उसी जो प्रोग्राम है उसको कामयाबी से लागू रख पाती हैं या फिर थोड़ा बहुत नाकामयाबी उसमें हासिल होती हैं तो रिजल्ट तकरीबन तकरीबन जो हमारा विश्लेषण कहता है वो यही आने वाले हैं। इसी तरह से क्षेत्रीय दल थोड़ा सा और मजबूत होंगे, उनकी मजबूती कुछ ना कुछ NDA की कीमत पर होगी, और कांग्रेस तो थोड़ा रिवाइव कर जाएगी क्योंकि उनके कुछ अपने गढ़ हैं जिनमें उन्होंने बहुत बुरा हाल किया था। जो कांग्रेस रिवाइवल है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि वो बीजेपी से कुछ छीन रहे हैं, बल्कि अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस क्षेत्र को देखते हुए कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि चुनाव की सारी बिसात बिक चुकी है, उनके अपने मोहरे रखे जा चुके हैं, उन्होंने अपनी चालें पिछले कई महीनों से चल रहे थे, बिसात पे जो पोजीशन है सबने ले चुके हैं। अगर कोई पीछे न हट जाए या बहुत भयंकर तौर पे आगे बढ़ के ओवरटेक न कर ले तो स्थिति कमोबेश ऐसी ही रहने वाली है। और जैसे हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि थर्ड फ्रंट का एक मेजर रोल रहेगा, मुझे भी लगता है कि थर्ड फ्रंट अगर कॉम्प्रोमाइज न करे तो सरकार बना सकती है। जनता, विभिन्न पक्षों को हमने अपने पैनलिस्टों द्वारा सुना, लेकिन अंतिम फैसला करेगी जनता, और जनता जब फैसला करती है तो सभी पैनलिस्ट, सभी सर्वे और तमाम आकलन एक अलग रूप में नज़र आते हैं, न गलत न सही बल्कि उनका रूप ही बिल्कुल अलग नज़र आता है। हम सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, सभी अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करते हैं, खासकर हॉट रिसर्च एंड मार्केटिंग के राकेश पुरोहित जी का, जिन्होंने एक लंबी रिसर्च द्वारा देश का एक अलग मूड भांपने की कोशिश की। जो देश अभी बुखार में तपा हुआ है और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा है, हमने सामने रखा, और आगे हम ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, ऐसे ही किसी अलग एंगल की रिसर्च के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक मिथिलेश का आप सबको नमस्कार।